मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही गेहूं खरीदी केंद्र पर पुख्ता वारदान और मूलभूत सुविधाएं होने का दावा करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मध्य प्रदेश में इस समय ऐसे सैकड़ों खरीदी केंद्र हैं जहां वारदानों की कमी के कारण किसानों का 2 से 3 दिनों तक माल तुल नहीं पा रहा है। ऐसा ही एक नजारा उज्जैन जिले के तराना स्थित मुरली बेयर हाउस पर देखने को मिला, जहाँ गेहूँ वारदान और हम्माल की कमी के चलते किसान के माल की समय पर तुलवाई नहीं हो पा रही है। ग्राम तोड़ी खेड़ा से फसल लेकर पहुंचे किसान रामबाबू गोठी ने अपना दर्द मीडिया के सामने बयां किया। रामबाबू गोठी तोड़ी खेड़ा गांव हर दिन हो गए ट्रैक्टर में टोकन बटने, मतलब दो दिन हो गए टोकन बटे और ट्रैक्टर तुल नहीं रहे। 14 तारीख का मैसेज आया था, मैसेज था। आज क्या तारीख है? आज 17 तारीख हो गई। आज तक नंबर नहीं आया? नहीं आया, ये आया है आज एक ट्राली का। तो आज क्या परेशानी आ रही है? तुल रही ट्राली? आज ये परेशानी है कि 4 ट्रैक्टर लाया हूँ मैं जी किराए से जी, तो 4 दिन का भाड़ा देना है उनको, 2000 रुपये पर डे। यहाँ पे आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या? यही परेशानी तो यही है कि रात रुकना पड़ रहा है, यहाँ पे माल आ नहीं रहे हैं, व्यवस्था गड़बड़ है, किसी दिन वारदान नहीं रहते हैं, किसी दिन माल नहीं आ रहे हैं। वहीं मुरली वेयर हाउस के प्रभारी किशोर पाटीदार का कहना है कि गेहूं का परिवहन नहीं होने से पूरा वेयर हाउस माल से भर गया है, साथ ही उन्होंने वारदान की कमी का गाना भी गाया। परेशानी तो हमें यह है कि यहाँ पे परिवहन बहुत सारा इकट्ठा हो गया, माल खुले मैदान में बहुत सारा जमा, 12,000 क्विंटल हमारे पास में अभी जमा हुआ है, ये परिवहन नहीं हो रहा है। और साथ ही वारदान की भी अब कमी आ गई है, अभी हमारे पास शेष आज खरीदी जो चल रही है इसके बाद में मतलब 3-4 हज़ार वारदान शेष बचे हुए हैं। कल अगर ये जो ट्रालिया की लाइन खड़ी हुई है, अगर ये हम इसको खरीदी करेंगे तो उसके लिए हमें कम से कम 20 गठाने वारदानों की ज़रूरत रहेगी, लेकिन वारदान अभी फिलहाल नहीं पहुँचे हैं। आश्वासन मिला है कि हम पहुँचा रहे हैं, आ रहे हैं, ये जानकारी मिली जी। आज एक ही कांटा चल रहा है, 2 के हमने और व्यवस्था की, लेकिन आज हमालों ने क्या है कि कुछ हमाल नहीं आने कारण सलंग वाले लगातार 15 दिन से चल रहे थे, पिछले रविवार को खरीदी चालू थी, उनको छुट्टी नहीं मिली और कुछ बीमार हो गए इसलिए वो हमाल नहीं आए। कल से पुनः अपने 7 कांटे यहाँ पे चालू हो जाएंगे। बहरहाल प्रदेश के धरती पुत्रों ने खून पसीने की मेहनत से गेहूं की फसल का बंपर उत्पादन तो किया, लेकिन अब शासन प्रशासन उसे समेटने में असफल साबित हो रहा है। फिलहाल देखना होगा कि किसान मुखिया शिवराज सिंह चौहान कब तक बारदान की कमी को पूरा कर पाते हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए तराना से कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट।